मेरे चैनल प्रिडिक्शन गुरु राहुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक फैंटेसी प्लेयर बनना चाहते हो, यानी कि ड्रीम इलेवन में खेलना चाहते हो या फिर ड्रीम इलेवन अल्टरनेट किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन में खेलना चाहते हो, सो इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पहली बार टीम कैसे क्रिएट करें, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ विजन 11 में पहली बार टीम कैसे क्रिएट करें। मतलब कि अगर आपने अभी तक टीम क्रिएट नहीं किया है, आपको पता ही नहीं है कैसे टीम क्रिएट किया जाता है, तो आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हो। अगर आप ड्रीम 11 में टीम क्रिएट करना चाहते हो तो उस पर वीडियो अवेलेबल है। आज हम लोग बात करेंगे विजन 11 में टीम कैसे क्रिएट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट गेट स्टार्ट। और अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी टाइप के वीडियो के लिए सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो खेलो दिमाग से ड्रीम 11 की अल्टरनेट ही हुआ ये, यानी कि विजन 11 भी ड्रीम 11 का अल्टरनेट है। इसमें भी आपको 11 प्लेयर से ही टीम क्रिएट करने पड़ते हैं। ओके, पहली बात तो ये कि इसमें 11 प्लेयर से टीम क्रिएट करने पड़ते हैं, बट हाँ, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं जो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, जिससे आपको फिलहाल अभी आप सिंपल में समझ लो। देन ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। इस रेफर कोड का अगर आप यूज़ करके ज्वाइन करते हो तो आपको फ्री में 300 रुपये का बोनस मिलेगा, जिसका आप यूज़ करके प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो बोनस चाहिए तो ये कोड यूज़ करके ज्वाइन कर लेना। प्ले करने की बात करते हैं तो हमें फैंटेसी एप्लीकेशन में प्ले करने के लिए आपको जो ज़रूरत पड़ती है वो है फैंटेसी पॉइंट सिस्टम की। और दोस्तों, फैंटेसी पॉइंट सिस्टम आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको दिन रात देखो और इतना बड़ा आप रीड करो। आपको इसको रीड करने का कोई भी ज़रूरी नहीं है, बस एक झलक देख लो और एक झलक इसको आना, खोल के एक बार देख लेना, बस इतना ही करना। चूँकि मैंने भी आज तक कभी भी तक इसको याद नहीं किया, कोई भी ज़रूरत नहीं है याद करने की। भाई, आप मैथ का एग्ज़ाम थोड़ी दे रहे हो कि आप याद करने जाओगे, इसको कोई याद करने की ज़रूरी नहीं है। बस आपको टीम क्रिएट करते टाइम दिमाग में इतना रखना है कि जो प्लेयर सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, जो प्लेयर उससे थोड़ा कम परफॉर्म करेगा उसको कम पॉइंट मिलेंगे, जो प्लेयर एकदम ही परफॉर्म नहीं करेगा उसको एकदम ही पॉइंट नहीं मिलेंगे। अगर प्लेयर डक हो जाता है तो, यानी कि जीरो पे आउट होता है, तो उसके आपको माइनस में पॉइंट चले जाएंगे। अगर कैच लेता है तो प्लस में कुछ पॉइंट मिलेंगे, प्लस 8 पॉइंट कैच के मिलते हैं। विकेट के, अगर एक विकेट ले लेता है तो दोस्तों देखो, बैटिंग वाला 20 रन 25 रन मारेगा तो जाके उसके 25 पॉइंट पूरते हैं, बट अगर कोई बॉलर एक विकेट ले लेता है तो उसको फ्रैक से 25 पॉइंट मिल जाते हैं। दोस्तों, इस टाइप से पॉइंट सिस्टम है, जो कि सिंपल वाइज में अगर आप अपने दिमाग से समझोगे तो जैसे जैसे प्लेयर परफॉर्म करते हैं वैसे वैसे आपके पॉइंट बड़े होते हैं। जिसने ज़्यादा परफॉर्म किया उसके ज़्यादा पॉइंट, जिसने कम परफॉर्म किया उसके कम पॉइंट। अब बात करते हैं टीम कैसे क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट टाइम आपको टीम क्रिएट करने के लिए आपको 11 प्लेयर का टीम क्रिएट करना पड़ता है। 100 क्रेडिट आपको मिलते हैं। क्रेडिट प्लेयर के परफॉर्मेंस के आधार पे होते हैं। जो प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उसका क्रेडिट ज़्यादा, जो खराब परफॉर्मेंस कर रहा है उसका क्रेडिट कम। यहाँ पे कोई बड़ा मैच नहीं है, सो मैं आपको प्लेयर बताऊँगा। हाँ, ना आप जानते होंगे किसी प्लेयर का नाम, ना मैं जानता हूँगा, ठीक है। और अगर आपको टीम चाहिए होगी, मतलब कि टीम क्रिएट करना, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बट अगर आपको फिर भी टीम चाहिए होगी, एनालाइज नहीं कर पाते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। अब 100 क्रेडिट के अंदर आपको 11 प्लेयर सेलेक्ट करने होते हैं। एक टीम से मैक्सिमम 7, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 7, कम से कम 4 ले सकते हो, यानी कि खराब टीम से 4, ज़्यादा से ज़्यादा 7। विकेट कीपर चूज कर सकते हो आप 1 से लेकर 4, बट एक अच्छा विनिंग के लिए आप हमेशा एक ही विकेट कीपर चूज करो। बैट्समैन ले सकते हो 3 से लेकर 6, बट मैं कहूँगा आप हमेशा 4 तक चूज कर सकते हो। आप वैसे 3 से लेकर 6 चूज कर सकते हो, 1 से लेकर 4 ऑलराउंडर और 3 से लेकर 6 बॉलर। इस टाइप से आप टीम क्रिएट करो। टीम प्रीव्यू करके आप हमेशा टीम देख सकते हो, और कैप्टनशिप को 2 गुना पॉइंट, वाइस कैप्टन को 1.5 गुना पॉइंट, ठीक है। इस टाइप से आप टीम क्रिएट करके प्रीव्यू करके देख सकते हो। बट दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट चीज़ छूट गई, अब आप अंदर की बात समझो। आप टीम क्रिएट करते टाइम आपको खुद पता चल जाता है कि किस प्लेयर ने पहले कितना परफॉर्मेंस किया था। मतलब कि ये प्लेयर का देखो 338 पॉइंट, तो इसने पहले वाले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा। इसको 95% लोगों ने लिया है, 76% लोगों ने इनको लिया है, एजाज को 24% लोगों ने लिया है, और बाकी प्लेयर को नहीं लिया है। कुछ तो बात होगी ना कि नहीं लिया है, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी आप अपना एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना सकते हो। 10% लोगों ने इनको लिया है और 29% लोगों ने इनको लिया है। बैटिंग सेक्शन में देखोगे तो जिसको ज़्यादा परसेंट लिया सब यहाँ पे शो है। किसने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया वो भी यहाँ पे शो होते हैं, सब एक इन्फॉर्मेशन शो होती है। ओके, कैप्टन किसको कितने परसेंट लोगों ने लिया है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रही है। 6% लोगों ने इनको लिया है, 42% लोग इनके साथ जा रहे, यानी कि हर कोई इन्हीं के साथ जाएगा, एन हुसैन के साथ। वाइस कैप्टन 24% लोग गए हैं एल सिंह के साथ। तो आपको पहले ही पता चल जाता है किसको कितने परसेंट लोगों ने लिया है। देन
सेफ्टी में आप ऐसे कर सकते हो। अब अगर आपको लगता है कि मुझे एक और टीम क्रिएट करना है तो आपको कोई ज़रूरी नहीं आप शुरू से करो, आप यहाँ से सिंपली बीच में क्लिक करके कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हो। आप यहाँ से चाहो तो एक दो प्लेयर चेंज कर लो, नहीं करना है तो कैप्टन भास्कर ने चेंज करके सेफ टीम करो, दो टीम हो गया। यहाँ से आप फिर प्रीव्यू देख सकते हो। बस दोस्तों सिंपल है टीम क्रिएट करना। अब लीग कैसे ज्वाइन करना है ये समझ लो। यहाँ पर आपको ये सब जो लीग्स दिख रहे हैं आप इस पर सिंपली क्लिक करोगे तो आपका ज्वाइन हो जाएगा। देखो दोस्तों फैसे मैच स्टार्ट होने वाला, लीग ज्वाइन करके मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता, बट मैं आपको ये फ्री लीग ज्वाइन करके दिखा देता हूँ क्योंकि मैं इस मैच में प्ले नहीं करने वाला हूँ। और ये अभी जो मैंने खोल दिया वो आई थिंक दूसरा मैच भी खुल गया है। सो मैंने आपको बताया कोई और था और टीम किसी और ने बनाई थी मतलब, और खुल कोई और गई। सो यहाँ पे देखोगे तो टीम हमने इस पर बनाई थी। तो अब अगर लगता है कि मुझे कोई लीग ज्वाइन करनी है तो आपको सिंपली मैच पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो भी लीग ज्वाइन करना है उस लीग पर क्लिक कर दो और ज्वाइन हो जाएगा। सिंपली इस टाइप से आपका लीग ज्वाइन हो जाएगा। मैच आपको माई कॉन्टेस्ट में शो होगा और इसमें दोस्तों बैटिंग बॉलिंग लीग भी है। ये सब मैं आपको कभी और बताऊंगा। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इस टाइप से आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन कीजिए, मिलते हैं इस वीडियो में। पप्पा धन्यवाद, लव यू ऑल।